सरकार की पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। महाराष्ट्र की पावन धरा जिला भंडारा के मोहाड़ी में आज से 5 दिन तक हम आप सभी श्री राम कथा श्रवण करेंगे और आज कथा का प्रथम दिवस है। सर्वप्रथम हम आप सभी आज की मंगलमय पावन आरती में प्रवेश करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं मुख्य यजमान परिवार श्रीमती किरण रविशंकर डोमने जी। मैया जी से आग्रह है कि मुख्य यजमान पावन आरती में आप पधारें। श्री रंजन रविशंकर डोमने जी, आपसे भी आग्रह है कि सब परिवार सहित आप पावन आरती में आप पधारें। बाकी सभी से आग्रह है कि आप सभी जो भक्त आए हुए हैं, जो वॉलंटियर हैं, सभी आप नीचे से ही आरती करें। आइए चलते हैं मंगलमय पावन आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वालामालन्नै नमः रत्नेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हरिओमि चंद्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायत स्रोत दुवायु सुप्राणस्य मुखादग्निर्जायत। हरति श्री Yes।
वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्री राम भक्ताय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलर्मय दत्तो ग्रहण परमेश्वर श्री सीताराम अभ्यम नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की, गौ माता की, यज्ञ नारायण भगवान की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय श्री राम। अब आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। महाराष्ट्र की पावन धरा जिला भंडारा के छोटे से तहसील मोहाड़ी में जहां पर विराजमान है हनुमान जी का प्रसिद्ध पावन तीर्थ चांदपुर पर चांदपुर में, और यहां से कुछ दूरी पर है रामटेक श्री प्रभु श्री राम का मंदिर। जिला भंडारा के तहसील मोहाड़ी में आज से 5 दिन तक हम आप सभी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद से श्री राम कथा जन्म से लेकर जनकपुर तक हम आप सभी श्रवण करेंगे। महाराष्ट्र की पावन धरा मोहाड़ी में पधारे सभी बागेश्वर धाम परिवार के भक्त धर्म प्रेमी आस्थावान आप सभी का बागेश्वर धाम परिवार की ओर से स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं, एवं घर बैठकर सत्संग चैनल के माध्यम से शाम 7 बजे से बागेश्वर धाम परिवार के सभी भक्त जो कथा श्रवण करेंगे आप सभी का भी स्वागत बंधन अभिनंदन है। मुख्य यजमान परिवार
मैया किरण रविशंकर डोमने एवं उनके पुत्र श्री रंजन रविशंकर डोमने, जो हमारे गुरु भाई हैं, पिछले एक साल से लगातार उनका संकल्प था कि गुरुदेव भगवान एक बार मोहाड़ी की पावन धरा में आए और अपने भक्तों को आशीर्वाद दें। रंजन जी के पिताजी का ये संकल्प था कि मोहाड़ी के पावन धरा में गुरुदेव भगवान आकर के श्री राम कथा श्रवण कराएं, और लगातार श्री रंजन जी के आग्रह से आज उनकी जो संकल्प था, उनकी जो मनोकामना थी, वो पूर्ण हुई। और हम सबका परम सौभाग्य है कि मुख्य यजमान के परिवार के संकल्प से पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का आगमन हुआ और आज से 5 दिन तक हम आप सभी श्री राम कथा जन्म से लेकर जनकपुर तक हम आप सभी श्रवण करेंगे। एक बार मुख्य यजमान परिवार का करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं, तालियों से स्वागत करते हैं, जिनके संकल्प से हम आप सभी को गुरुदेव भगवान के दर्शन हो रहे हैं और 5 दिन तक कथा श्रवण करेंगे। और इन 5 दिनों में एक दिवसीय आध्यात्मिक समाधान सत्र के माध्यम से बागेश्वर बालाजी सरकार का दिव्य दरबार भी 30 तारीख को यही कथा पंडाल में प्रारंभ होगा। सभी पर बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा होगी और सभी की समस्याओं का निवारण भी होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान होली महोत्सव के बाद बड़ी धूमधाम से बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर होली महोत्सव मना और उसके बाद गुरुदेव भगवान का आगमन महाराष्ट्र की पावन धरा में हुआ है। लगातार आप सभी देख ही रहे हैं, गुरुदेव भगवान सनातन धर्म के लिए अनेक अनेक कार्य कर रहे हैं। हाल ही में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 155 बहनों का विवाह संपन्न हुआ, जो कि पूरे भारतवर्ष से हर जगह से बहन पहुंची, जो असहाय थी, जिनके माता पिता नहीं थे, और 155 बहनों का विवाह बागेश्वर धाम परिवार के द्वारा आप सभी के सहयोग से पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। ऐसे ही बागेश्वर धाम जनसेवा समिति द्वारा अनेक अनेक विकल्प चल रहे हैं, उन्हीं में से एक और विकल्प है, एक और संकल्प है, जो कि आप सभी को ही जानकारी है। लाखों भक्त बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर पहुंचते हैं, लाखों भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और लाखों भक्त मां अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन प्रसाद पाकर जाते हैं, और जहां भी पूज्य श्री की कथाएं होती हैं वहां भी भोजन की व्यवस्था की जाती है, तो मां अन्नपूर्णा की कृपा से यहां भी भोजन की व्यवस्था की गई है। लेकिन विगत 5 वर्षों से लगातार, चाहे 2000, 5000, 10000, 50000, 5 लाख, 10 लाख भक्त पहुंचते हैं दिन में 12 से 4 बजे तक, रात्रि में 8 बजे से 2 बजे तक, और मंगलवार शनिवार 24 घंटे सभी भक्तों के लिए मां अन्नपूर्णा की कृपा से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। कहते हैं कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी पूजा है। आप सभी के सहयोग से अगर किसी भी भूखे को भोजन मिल जाए, किसी प्यासे को जल मिल जाए, तो इससे बड़ा कोई भी पुण्य और किससे बड़ा धर्म नहीं है। हमें भी अपने सामर्थ्य अनुसार ऐसे परिवार को भोजन अवश्य कराएं, ऐसे पावन तीर्थ पर अपना तुलसी पत्र अर्पित करें जहां उसका सही उपयोग किया जाता है। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार अन्नपूर्णा भंडारे में अपने आसपास के ऐसे गरीब परिवार को तुलसी पत्र के साथ साथ उनकी भोजन की व्यवस्था अवश्य कराएं और बागेश्वर धाम पावन तीर्थ के संकल्प से जुड़े। अधिक जानकारी के लिए आप बागेश्वर धाम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 1 तारीख को सुबह 9 बजे दीक्षा का कार्यक्रम होगा, जिन भक्तों को दीक्षा चाहिए वो कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। आइए चलते हैं आज की प्रथम दिवस की श्री राम कथा में, जन्म से लेकर जनकपुर तक पूज्य भगवान के मुखारविंद से हम आप सभी स्मरण करेंगे। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। श्री राम श्री
राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके, भाग जाए सब भूत। रामचंद्र भगवान की। ओम गजाननम भूते गणादि से वितम कपति जम्बो फल चारु पक्ष। उमासुतम शोक विनाश कारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमः परिभ्या परपादुकाभ्या, आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम्। श्री सीतानाथ समारंभाम्, श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यंताम्, वंदे श्री गुरु परम परां। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरंतं, श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोज बम्बारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालील से अरुधरि लाले लहू, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपीशु। श्री गुरु चरण सरोज निज मन वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या, पवन तनये संकट मंगल मूरति, राम लखन सीता सहित हृदय बसो।
जन्नत मांगी हमने तो सिर्फ बालाजी तुम्हें पाने की एक मन्नत मांगी।
शिवम सुंदरम खाने आए हो क्या? दोनों हाथ उठा करके हो जाओ मस्ती में राम। ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो शिवाजी महाराज की, संत समाज की, माता चंडिकेश्वरी भगवती की, श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, श्री हनुमान मंदिर चांदपुर धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, रामटेक वाले श्री राम जी भगवान की,
पूज्य संत श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, पंडरी नाथ भगवान की, विठल नाथ भगवान की, संत श्री नामदेव जी महाराज की, संत श्री गजानन महाराज की, संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की, जगद्गुरु संत श्री तुकाराम जी महाराज की, भक्ति मता माता श्री जना भाई की, भक्ति मता माता श्री कर्मा भाई की, मुहाड़ी के पागलों की, कथा यजमान जी की, कथा में आने वालों की, कथा में ना आने वालों की भी, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की भी, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतन की, नमः पार्वती पतये, हर हर से तो बोलो, ऐसे धीमे बोल रहे जैसे तुम्हें बुखार चढ़ा हो, जरा जोर से बोलो भैया, जरा माइक और ठीक कर दो। हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम। रघुनाथ जी की कृपा, भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से हमको जो है हनुमत आज्ञा और संतों की कृपा से पावन प्रदेश महाराष्ट्र की भूमि में भंडारा जिला के अंतर्गत तालुका जिसे कहा जाता है मोहाड़ी, ऐसी पावन जगह पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले तो कथा यहां से 15 किलोमीटर दूर होनी थी, अचानक जगह बदली गई, अब तो हमें लगता मोहाड़ी में ही है, खास मोहाड़ी सामने है, मोहाड़ी के सामने कथा पंडाल है। पास में ही पावन तीर्थ के रूप में जो ग्राम देवी मानी जाती हैं, चंडिकेश्वरी भगवती है, तो यहां का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जो सबकी खाली झोली भरते हैं, ऐसे चांदपुर के श्री हनुमान जी महाराज भी विराजमान है। वैसे तो भंडारा जिला ही महान है, पर मोहाड़ी भी तालुका कम नहीं है। तीन तीन नदियों से घिरा है यह जगह, गिरी हुई भूमि है, ऐसी पावन भूमि को हम प्रणाम करते हैं, सभी संत जनों को प्रणाम करते हैं, बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी को प्रणाम करते हैं, श्री बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करते हैं, कली कुल शिखर पावनावतार श्री तुलसीदास जी को प्रणाम करते हैं, एवं जितना भी भक्त वैष्णव समाज, वैष्णव परंपरा का निर्वाहन करने वाले श्रोता जो पंडाल में है, कुछ अगल बगल में खड़े हैं, कुछ लोग नजदीक के चक्कर में खड़े हैं, कुछ लोग भीतर आगे आने के लिए लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं, ऐसे सभी वैष्णव जनों को भी हम प्रणाम करते हैं। इस कथा के मुख्य यजमान जिनका संकल्प था वो शरीर रूप में नहीं है, भगवान भक्त अनुरागी स्वर्गीय श्री रविशंकर डोमड़े जी, उनका संकल्प था कि श्रेष्ठ तम ग्रंथ श्री रामचरितमानस की राम कथा हमारे मोहाड़ी में होवे,
ऐसे हनुमान भक्त थे और उन्होंने उस वक्त अपने परिवार से कहा था कि हमको किसी योग्य व्यक्ति द्वारा राम कथा सुननी है। अब उनका शरीर तो नहीं है लेकिन मुख्य यजमान के रूप में तो वही रहेंगे, पर उनकी सहधर्मिणी श्रीमती किरण रविशंकर डोमड़े जी यहां विराजमान है, उनका पूरा परिवार, हमारा प्रिय लाडला और बालाजी के विशेष कृपा पात्र रंजन जी भी, वो भी अपनी सापत्नी के सहित यहां विराजमान है। आपके दिव्य संकल्प से मोहाड़ी एक छोटा सा तालुका है लेकिन शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है, संकल्प कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम मध्य प्रदेश के छोटे से गांव गढ़ा बागेश्वर धाम से खिंचे हुए तालुका मोहाड़ी में चले आए। ये संकल्प की ताकत है। हमने कभी विचार नहीं किया था कि तुम लोगों के हमें दर्शन होंगे, लेकिन देखो बढ़िया खीसा निकाले दिख रहे तुम लोग। सभी माताएं बैठी हैं, वैष्णव बैठे हैं, श्री विट्ठलनाथ भगवान के कुछ उपासक बैठे हैं, पंडरीनाथ भगवान के उपासक बैठे हैं, संत नामदेव जी की परंपरा के उपासक बैठे हैं, वारकरी संप्रदाय के उपासक भी यहां विराजमान हैं, और एक और यहां के प्रसिद्ध संत जो जिन्होंने भगवती चंडी को प्रकट किया था है नारायण स्वामी जी, उनका भी बड़ी अद्भुत परंपरा है, अद्भुत आचार्य हुए, चार रूपों में चार कुंडों से हवन करके उन्होंने भगवती को प्रकट किया था। तो सभी संप्रदायों के अनुयायी, आचार्यों के अनुयायी आप लोग विराजमान हैं। 5 दिन की राम कथा यहां होनी है, जन्म से जनकपुर मतलब भगवान के प्रकट से लेकर विवाह तक की कथा सुनाई जाएगी। आप सबको हम एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, भैया करूं प्रणाम जोड़ दुग पार, श्री राम जय राम जय जय सब गाइए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम जहां कथा कर रहे हैं ऐसी जगह है जहां से मध्य प्रदेश भी बड़ा नजदीक है और छत्तीसगढ़ भी बड़ा नजदीक है। हमें बता रहे थे कोई, रंजन जी बता रहे थे, गुरुजी यहां से बालाघाट मात्र 60-70 किलोमीटर और राजनाथ गांव भी 100-125 किलोमीटर ही है, तो छत्तीसगढ़िया भी पहुंच सकते हैं, मध्य प्रदेश वाले भी आ सकते हैं, महाराष्ट्र वाले तो है ही है। अच्छा महाराष्ट्र वाले होते बड़े महान है, ये इतने गजब के आदमी होते हैं, ये कथा में तभी आते हैं जब कथा स्टार्ट हो जाए। हाँ, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि पहले से जाके कौन इंतजार करे, और अगर हम इंतजार कर लेंगे तो छोटे पड़ जाए। वैसे आपकी भूल नहीं है, आप तो 4 बजे से बैठे हो, हमारी भूल है कि हम लेट आए हैं, पर आ तो गए हम टाइम पे, वो बात अलग है 6 बजे आए हैं। हाँ लेकिन अब क्या बताए, हम बागेश्वर धाम पे होली महोत्सव थी तो होली महोत्सव में 300 ग्राम गुलाल खा गए, इतनी तेज होली हुई लगे गुलाल पूरी खा गए। फिर मंगलवार का दरबार किया, बहुत भीड़ थी, फिर वृंदावन आ गए, वृंदावन में पुरी वाले शंकराचार्य जी की आज्ञा लगी तो पुरी वाले शंकराचार्य जी श्री पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद लेने को पहुंच गए। तब तक और संतों के दर्शन मिल रहे थे, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी, गौरी गोपाल आश्रम और पूज्य श्री अध्यात्म पीठ वाले श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज जी,
इन सबके दर्शन करते हुए कल रात को हमें 10 बजे आ जाना था यहां, लेकिन आगे लगी चील गाड़ी छूट गई। हम संतों में इतने मस्त हो गए हमें पता ही नहीं रहा कब 8 बज गए, और 8 बजे दिल्ली से उड़ना था 8:30 बजे। फिर सुबह 4 बजे की जब ली तब जाके 8 बजे यहां ठिकाने लगे, और एकदम श्रमित थे, बहुत ज्यादा श्रम हो गया था और खूब ज्यादा थकावट हो गई थी, ऐसे सोए कि हम अभी शाम को 4 बजे उठे। जब हमें जगाया गया कि उठो आप ही अंतिम योद्धा बचे हो, अब जागो आप ही अंतिम योद्धा हो, हमने कहा बज कितने गए, हमें लगा 12 ही बजे होंगे। जब बताया कि 4, अरे हमने कहा जल्दी निकालो कार, तब तक चेला बेले बोलो पहले हो तो जाओ तैयार। अरे हमने कहा हे हनुमान जी आज क्या करने वाले हो, तब बड़ी मुश्किल से, और लंबी दूरी भी है, 6-7 किलोमीटर चल के आना पड़ता है, लेकिन आ गए। पहले दिन की कथा है तो देर से आए, सो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, लेकिन हम देर से आ गए। अब हम जितनी भी आज के पहले दिन की बन रही श्रोता हूं आप सबको कथा के मध्य में प्रवेश करवा देते हैं, फिर कल से हम क्रम से रहेंगे। 3 दिन की कथा नहीं है कृपा, ये है 5 दिन की कथा है। 5 दिन तक तुम्हारे प्राण पक्का खाएंगे, रोज खाएंगे। बस एक बात पूछनी है, 4 बजे बहुत धूप रहती है, 5 बजे से कर दें अगर आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो अगर 4 से ही चाहिए तो हम 4 बजे आ जाएंगे। है 4 ही ठीक है, है 5 वाले कितने उठाओ, 5 वाले, अब 4 वाले उठाओ, दोनों 50-50 हैं। चलो एक काम करो, ना 4 की ना 5 की, 4.5 कर दो, अब दोनों बराबर है, हमें तो दोनों देखने, सुनना तुम्हारी बुराई ना तो ठीक है। लो 4:30 बजे से कल से कथा, ताकि थोड़ा धूप कम हो जाए, बहुत धूप है यहां तो, गर्मी का पता ही नहीं, इतनी तेज गर्मी है कि हमारे जैसा आदमी तो सूख के यहां पर लकड़ी हो जाए। हाँ, अगर हमें यहां धूप में खुले में रख दिया जाए तो 1.5-2 घंटे में ही हम बचेंगे ही नहीं। लेकिन कुछ भी कहो, महाराष्ट्र बड़ा अद्भुत है, हमारी प्रिय धरती है महाराष्ट्र, इसलिए प्रिय है क्योंकि एक ऐसा ये प्रदेश है जहां नामदेव जी जैसे महापुरुषों ने विट्ठलनाथ भगवान का कीर्तन करके यहां के प्रत्येक महाराष्ट्रियन को वैष्णव भक्त बना दिया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हम लोग राम कथा सुनाएंगे, हम लोग राम कथा सुनेंगे, बड़े भाव पूर्वक सुनेंगे, जो गुरु कृपा होगी। अरे राम कथा क्यों सुनेंगे, ओ जय जय राम कथा सुनो भाई, क्यों, अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्रता, ओ जय जय राम कथा सुनो भाई, राम कथा ओ जय जय राम कथा, दोनों हाथ उठाकर सुनो सुनो भाई राम कथा, आपकी जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्रता, जय जय राम कथा।
बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। भैया राम कथा से जन्म जन्मों की प्रथा मिट जाती, पर एक बात बोल दे, कह दो बोलो, आज की कथा का सूत्र नोट करना, ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जी लीजिए। क्या ढोंग की जिंदगी जीने से बढ़िया है ढंग की जिंदगी जिए, मालिक दिखावा की जिंदगी से बढ़िया है जैसे हो वैसे रह लीजिए। आदमी सबसे ज्यादा परेशान वो है जो है नहीं पर दिखना चाहता है। आप जो हो नहीं वो दिखना चाहते हो इसलिए परेशान हो। मेकअप वाला मेकअप करके आए वो परेशान रहता, कहीं पानी ना पड़ जाए, पसीना ना आ जाए। क्यों? पसीना आ जाएगा ये छूट जाएगा। अपने जैसे राम जी चाहे पसीना आवे चाहे पानी आवे, वो रूमाल भी इतना प्यार से लगाते हैं। अपने जैसा आदमी ऐसा घिसता है भैया। क्यों? जो है सो है। इसलिए महात्मा कहते भैया ढंग की जिंदगी में संभल कर रहना पड़ता है, ढंग की जिंदगी में तो मन मौजी में रहना पड़ता है। इसलिए माई बाप राम कथा ढोंग की जिंदगी को मिटाकर राम कथा है दर्पण। क्या है भैया? दर्पण का मतलब शीशा। शीशा में तुम जैसे होगे वैसे ही दिखोगे, उसी प्रकार राम कथा सुनोगे तब तुम्हें पता लगेगा तुम किस घाट का पानी पी रहे हो, काम के घाट का या राम के घाट का। इसीलिए हमने राम कथा को चुना और राम कथा के चरित्र को चुना। मेरे प्रियजनों, राम कथा कोई साधारण नहीं है। राम कथा सुंदर करता संशय राम कथा सुंदर कर ताली। ताली मतलब आहा, दोनों हाथों को जब एक साथ जोर से पटकते हैं एक आवाज निकलती है, उस आवाज को ताली कहते हैं। पर याद रखना ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से तो चुटकी बज सकती है, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। उसी प्रकार मेरे माई बाप राम कथा भी सुंदर कर तारी है। ये संशय के विहग को, संशय के पक्षी को उड़ाने का काम करती है। लेकिन मेरे माई बाप याद रखना, जब तक तुम कथा में नहीं बैठोगे तब तक संशय नहीं मिटेगा। लेकिन रुको, सावधान, कथा में बैठना तुम्हारा महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे अंदर कथा का बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोग नहीं यहां बैठे, बैठे बहुत हैं, पर माई बाप जब कथा पूरी हो जाएगी तो सबका कल्याण नहीं होगा, कुछ कुछ का होगा। क्यों? क्योंकि कथा में तो सब बैठते हैं, कथा किसी किसी में बैठती है। जिसमें कथा बैठ जाएगी उसका बेड़ा, और जिसमें नहीं बैठेगी वो मुहारी की नदिया में ही डुबकी लगाएगा। बोलो सीताराम। तो महाराज ये कथा भीतर कैसे बैठेगी? सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा। भगवान महादेव कथा करते हैं तो सावधान कहते हैं, सुनो पर सावधानी से, बुरा न मानना। आज प्रथम दिवस है, हम आपको प्रारंभ में शिक्षा देना चाह रहे हैं हाथ जोड़ करके। मेरे प्रियजनों, कथा सुनना कान का विषय नहीं है, कथा तो ध्यान का विषय है। तुम कान से सुन रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम ध्यान से सुन रहे हो या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो सीताराम। बहुत लोग हमारे पास आते कहते गुरुजी हमने बहुत कथा सुन ली पर कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा भला नहीं हो रहा। भैया तुमने 1% कथा नहीं सुनी, ठीक है बैठे गए इतना ही बहुत है। तो क्या महाराज जी ध्यान हमारा नहीं लग रहा तो क्या कथा काम नहीं करेगी? करेगी। नहीं भी तुम्हारा मन लग रहा ना, कोई बात नहीं,
बैठो तो, ना बैठने से तो अच्छा है कम से कम तुम बैठे तो हो। अगर कथा में नहीं बैठोगे तो तुम ठेका पे बैठोगे, कहो ना, और जोर से कहो। आज तुम बैठे हो, कल तुम में कथा बैठ जाएगी। आज तुम कान से सुन रहे हो, कल तुम ध्यान से सुनोगे। आज तुम बालाजी के हो रहे हो, कल बालाजी तुम्हारे हो जाएंगे। आज तुम राम जी के हो रहे हो, कल राम जी तुम्हारे हो जाएंगे। इसलिए मेरी आत्माओं, आप लोग आए हो, हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत आपका इसलिए नहीं करते कि आप कथा सुनने आए, हम स्वागत तुम्हारा इसलिए करते हैं कि तुम उन लाखों लोगों में एक हो जिन्हें भगवान ने कथा के लिए चुना है। भगवान सबको नहीं सुनता चुनता है ना। कितने पुलिस नहीं है भारत में, इसी महाराष्ट्र में, इसी जिले में, सबकी ड्यूटी नहीं लगी, उनकी लगी जिनकी उन्होंने ड्यूटी लगवाई, मतलब इनके सरकार के अधिकारी। पर इनके सरकार के अधिकारी जो इनके अधिकारी हैं, उनके मन में भी प्रेरणा उन्हीं ने दी। किसने? जिसने उनको बनाया है। ये भगवान की कृपा। कितने लोग नहीं है मोहाड़ी में, पर क्या सब कथा में बैठ पा रहे? नहीं। कौन बैठ पा रहा? जा पर कृपा राम की पर कृपा करे सबको। बोलो बोलो बोलो। कृपा राम की होई, पर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सब कोई कृपा करेगा। बोलो सीताराम, जोर से कहो ना। एक बात और, क्या राम जी की कृपा औरों पर नहीं है? नहीं, राम जी की कृपा सब पर है। तो क्या जो कथा में आपकी नहीं आए उन पर राम जी की कृपा नहीं है? नहीं नहीं, उन पर भी है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण ये लोग हैं? हम इसलिए कह रहे हैं जो कथा करवाते हैं वो बड़भागी होते हैं, लेकिन जो कथा सुनने आते हैं वो अति बड़भागी होते हैं। तो आप लोग बड़भागी हो। जरा भाई माइक ठीक कर दो, आज हमारा गला बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, हम भी ठीक नहीं है। हम भी ठीक नहीं है सुबह से, इसलिए तुम ठीक हो जाओ। हम ठीक नहीं है पर तुम ठीक हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा पेमेंट कट करवा देंगे। बोलो श्री राम। तो मेरे प्रिय साधु को जो कथा करवा रहा वो बड़भागी, लेकिन जो कथा सुन रहा वो अति बड़भागी। और हनुमान जी भी बड़भागी हैं। क्यों? प्रभु चरित्र सुन बे रसिक। हनुमान जी दो चीजों के रसिक, राम नाम जपने के और कथा के। मेरे पागलो, दुनिया में इंसान वो है, महान वो है जो राम के काज के काम आ सके। हनुमान जी महान है।
हनुमान जी हनुमान है, क्यों? वो राम कथा भी सुनते, राम कथा नाम नाम भी गाते। हमें महाराष्ट्र के एक संत की बहुत याद आती, कई बार यहाँ महाराष्ट्र के एक संत हुए नामदेव जी को वो गुरु के रूप में मानते थे, चोखा मेला जी। आहा, क्या कहना चोखा मेला, क्या भक्ति, भक्ति की भी मत पूछो। श्री विट्ठल नाथ के परम भक्त मंगलदेव गांव में रहते, मंगलवेद गांव में रहते थे, नामदेव को अपना गुरु मानते थे, उनके मुख पर सदा विट्ठला विट्ठला विट्ठल विट्ठल पांडुरंग विट्ठल पांडुरंग विट्ठल रखा रहता था। खूब नाम जप करते, खूब मस्ती में मस्त रहते। ऐसा ही नहीं, जाति बहुत निम्न थी लेकिन कर्म बहुत महान थे। बुरा ना माने, महाराष्ट्र में, भारत में तो है ही ये बहुत बड़ा जहर, महाराष्ट्र में सबसे खतरनाक जहर है वो है जातिवाद। बुरा ना मानना, हम खुद महाराष्ट्र के हैं, बुरा ना मानिए, हम स्वयं महाराष्ट्री इसलिए मानते हैं क्योंकि सबसे पहले उमरेड नागपुर, सबसे पहले हम जब यहां आए थे ना, जो आत्मीय प्रेम यहाँ के लोगों से मिला वो कहीं नहीं हमको मिला। तो हम आपकी बुराई नहीं कर रहे, हमने जो भारत को जाना, हमने जो महाराष्ट्र को जाना वो यही जाना, सबसे ज्यादा विष है, सबसे ज्यादा जहर है जातिवाद का। लेकिन धन्य है चोखा मेला, विठला 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 विठल विठल जपते जपते दिन ना रात रहते थे। नाम भगवान विठल नाथ की आज्ञा लगी, ये पंडरपुर पहुंच गए, मंदिर में साफ सफाई करते। इनकी पत्नी सोयरा, भाई भी था, सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। और आपको बता दें, महाराष्ट्र की बड़ी परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग आज भी हैं, इनकी संप्रदाय के लोग, वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय के ये महान भक्त चोखा मेला जी। और एक कथा हमने सुनी, जिसके बात के लिए हम तुम्हें बताना चाह रहे कि एक बार एक तानाशाह राजा ने आज्ञा दी एक दीवाल बनाने की इनके गांव में। इन्होंने दीवाल बनाई, दीवाल बनाकर दिन भर दीवाल बनाते थे, पर गाते वही थे, विठल माझा 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 विठल माझा विठल माझा 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 विठल माझा मी विठल। अरे गा तो लो, विठल कितना मीठा गाते हो आप लोग, बड़े शर्माते हो, चोखा मेला गाते हैं। दीवाल का बनाने का काम बहुत मजदूर कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, बहुत जगह अलग अलग कथा मिली पर ये हमको मिली सुनने को। रात को सब सो गए, तूफान आया, तूफान में वो दीवाल ढह गई, और दीवाल ढह गई तो सब मजदूर चप गए, चोखा मेला जी भी चप गए उसमें। कई महीनों तक मलवा निकालने का काम चला, बड़ी दीवाल थी, सबके प्राण चले गए, सबके तन बचा नहीं, हड्डियां भर मिली। नामदेव जी को पता लगा कि चोखा मेला वहां दीवाल में दब गए, नामदेव जी भी आए। अब सब लोग इस चिंता में पड़ गए कि इसमें हड्डियां तो मिल रही पर ये निर्णय कैसे करें, ये किसकी है और चोखा मेला की कौन है। नामदेव जी ने पीछे से पुकार करके कहा कि हड्डियों को कान में लगाओ, और जिस हड्डी से विट्ठल विट्ठल की आवाज आवे समझना ये चोखा मेला की हड्डी है। लोग बड़े परेशान, कुतर्की तो होते ही, उन्होंने तो उस जमाने में भी नहीं छोड़ा, लोगों ने कहा पागल हो गए क्या, कहीं हड्डियां भी विट्ठल विट्ठल कहेंगी। नामदेव ने दोनों हाथ लेकर के और पंडरीनाथ का स्मरण करके कहा, हां चोखा मेला कोई साधारण नहीं, ये पक्का पंडरीनाथ का भक्त है, इसकी तो हड्डी भी विट्ठल विट्ठल कहेगी।
बहुत सी हड्डियां कान में लगाई, कोई तो नहीं, पर एक हड्डी जैसी कान में लगाई, वो धीरे धीरे बोली, विठला 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 विठला। सब चौंक गए, जो कान में लगाए उसके कान में विठल नाथ का नाम। मेरे प्रिय जनों, जब व्यक्ति इस प्रकार के नाम जप में डूब जाता है, उसका तन और मन दोनों राममय हो जाता है। जब राममय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता या वैष्णवमय हो जाता, वो फिर भी इंसान महान बनता है। इसलिए मेरे प्रिय साध को तुम कथा में आए, हम स्वागत करते हैं, लेकिन याद रखो, कथा ऐसी सुनना कि 5 दिन बाद जब तुम घर पे जाओ तो तुम्हारे घर वाले कहें, ये कथा का प्रेमी आ गया, तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार, 5 दिन की कथा सुनकर, जो लाइव सुन रहे हैं, यहां सुन रहे हैं, 5 दिन की कथा सुनकर के तुम्हारे जीवन में ऐसा चरित्र का निर्माण होना हो जाना चाहिए, ताकि तुम्हारा चित्र, तुम्हारा चरित्र दोनों राममय दिखाई पड़ने लगे। कहो सीताराम, जोर से कहो ना, जोर से कहो ना। अब आजकल तो वरना कथा में कुछ तमाशा देखने भी आते, चलो भीड़ बड़ी जुड़ती है, देख लेते हैं, बागेश्वर वाला बाबा आया है, पर्ची निकालेगा, कुछ इसी चक्कर में आ जाते, कुछ लोग पड़ोसी और पड़ोसन के चक्कर में भी आ जाते। अब पड़ोसी चला गया, पड़ोसन चली गई, हमारा मन तो लगेगा नहीं, चलो कथई में चलते। कुछ लोग तो इस चक्कर में भी आते हैं, भाड़ में गए, कम से कम नए जूता तो पहनने को मिल जाएंगे, तो घर से पहन के नहीं आते, यहां से खाली हाथ नहीं जाते, पहन के ही जाते हैं। कुछ लोग इस चक्कर में भी कथा में आते, कुछ लोग इस चक्कर में भी कथा में आते, मैं अच्छा है ठीक है, हम टीवी पे आ जाएंगे, और हमने बिल्कुल आंखों से देखा है, जब तक कैमरा उनकी तरफ ना जाए तब तक तो वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे पत्नी से पिटके आए हो, ऐसे। और बहुत बड़ी बात भी बोल दें तो ताली भी वो ऐसी बजाए, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने चला जाए ना, तुरंत हाव भाव बदल जाते हैं, तुरंत टीवी पे दिखाई हुए पढ़ने लगे, और कोई कान में बात भी। कुछ लोग इस चक्कर में भी आते हैं, कुछ लोग देखने आते हैं, चलो कम से कम इसी बहाने देख लेते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विट्ठल नाथ पंडरी नाथ को मिलने चले आते हैं, जो अपने गुरु के आदर्श को जीवन में उतारने चले आते हैं, जो रामचरित्र मानस को अपने जीवन में उतारने चले आते हैं। कहो सीताराम। एक जगह हम कथा में बता रहे थे, एक जगह कथा, एक कथाकार कर रहे थे, बहुत भीड़ जुड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंगलाचरण शुरू किया सो एक एक करके सब जाने लगे, लास्ट में एक आदमी बचा। तो पंडित जी ने कहा कि अब आप भर बचे हो, अब तुम्हें क्या कथा सुनाए, तुम ही जाओ घर को। वो बोला, नहीं नहीं महाराज, सुनाओ, सुनाना चाहिए, कथा सुनाओ। पंडित जी ने कथा सुनाई 2-2.5-3 घंटा। पंडित जी को लगा के पूरे गांव में यही भक्त है, कथा का श्रोता यही है, बाकी तो सब पागल है। लेकिन जब उससे कहा कि चलो अब कथा पूरी हो गई, अब तो जाओ, वो हाथ जोड़ के बोला, पहले तुम तो जाओ। तो पंडित जी बोले, हमें जाने की क्यों कह रहे? बोले, जिस आसन पर तुम बैठे हो दरअसल वो हमारी, हम उसे उठाने बैठे हैं। पंडित जी बोले, इसका मतलब तुम भी कथा सुनने नहीं बैठे? बोले, कथा सुनने बैठा कौन है, बचा ही कौन है, हम तो बैठे थे कब तुम उठो, कब हम अपनी आसन ले। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, ये बात तो वेस्ट इंडीज वाले की है, आप लोग तो बहुत प्यारे हो, लेकिन जो भी पधारे हैं हम आपको कहेंगे कथा को सावधानी पूर्वक सुनना। कुछ नियम हम आपको प्रारंभ में बता दें, 5 दिन की कथा में आपको हो सके, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो भूमि पर शयन करना, जमीन पर। 5 दिन की कथा में हो सके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना।
पांच दिन की कथा में जो कथा में बोले उस पर घर जाकर के चिंतन अवश्य करना। एक और नियम, रोज तिलक लगा करके कथा में आना। आपके व्यवहार से यह पता लगना चाहिए कि आप कट्टर सनातनी हो। हमको बोलना नहीं चाहिए पर बोल देते हैं। हमें कोई बता रहा था कि यहां की परंपरा में एक ऐसे वो हनुमान जी के ही साधक हैं लोग, पर वो माता पिता को नहीं मानते, वो राम जी को नहीं मानते, राम राम नहीं बोलते। हमें उनसे कोई बुराई नहीं है, उनकी श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन इतना कहेंगे वो हनुमान भक्त तो हो ही नहीं सकता जो राम का प्यारा ना हो। वो स्वप्न में भी हनुमान का सेवक नहीं हो सकता जो माता पिता को नहीं मानता, ना तो वो कोई संप्रदाय हो सकता है, वो शुद्ध धर्म विरोधी परंपरा हो सकती है। हाँ, एक घड़ी राम को ना मानो चलेगा, पर महाराष्ट्र के लोगों, हमारी बात तुम्हें बुरी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी, शायद तुम्हें हंगामा भी करना पड़े, पर हो सके तो तुम हंगामा भी करना। क्यों? क्योंकि हम सत्य बोलने से चूकते नहीं है, ये ध्यान रखना। तुम हम तो बाबर की छाती पर भी रघुवर का नाम बोलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है बहुत विनम्रता पूर्वक, कोई हमको बता रहा था कि यहां हमें उनका नाम नहीं लेना चाहिए, पर इस क्षेत्र में एक ऐसी परंपरा है जो बूढ़ा हनुमान जी को मानते, या जो भी हो उड़ते हनुमान जी का चित्र रखते, रखना चाहिए, बहुत अच्छा है। आप कम से कम हनुमान जी को मानते तो हो, ये बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत बुरा है कि आप मां बाप का फोटो नहीं रखते। राम को ना मानना एक घड़ी चलेगा, पर मां बाप को ना मानना भारत की सनातनी संस्कृति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वो भारत है जहां माता पिता अंधी और अंधा है, लेकिन एक भारत के बेटा ने श्रवण कुमार ने कंधे पर बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाई। ये वो भारत है जहां मां और पिता के एक वचन पर जो सुबह राजा बनने वाला था वो 14 वर्ष वनवास में घूमे। ये वो भारत है जहां मां बाप के लिए अपने प्राण तक अर्पित करती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कौन है क्या है हम कहते नहीं। इसलिए कथा का पहला नियम यह है कि आपको भूमि पर शयन करना, दूसरा नियम यह है आपको माथे पर टीका लगाना, तीसरा नियम यह है कि जो कथा सुनो उसे आपको रात को मनन करना। राम की चर्चा के बाद तुम काम की चर्चा मत करो, 5 दिन तो कम से कम मत करो, 5 दिन तो कोशिश करना काम की चर्चा नहीं रहा। अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओ और अच्छा है। चौथा नियम, कथा में आरती के पहले आ जाओ और आरती के बाद जाओ। पांचवा, बहुत लोग कहते कथा का फायदा नहीं मिलता, सुनने के तरीके गलत है। कुछ तरीके हैं कथा के, जो लाइव सुन रहे उनसे भी प्रार्थना है आप लोग भी इसको अलग करके कथा सुनने का नियम अलग करके डालिएगा, सबको पता लगना चाहिए। कथा सुनने का तरीका पता नहीं, याद रखिएगा दवा ठीक है पर दवा पीने का तरीका है। अगर तरीके से आप दवा नहीं पियोगे दवा काम नहीं करेगी, दवा असर तब करती है जब तरीके से पियो, वरना रिएक्शन कर जाएगी, एक्शन गलत हो जाएगा। अगर इंजेक्शन आपका हाथ में लगाने की जगह तुम खुपड़िया में लगा लो, शरीर ही तो है, कहीं भी चला जाए दवा जानी चाहिए, और तुम खोपड़ी में ठोक लो तो क्या रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, पता लगे पागल हो जाओ, चले जाओ, तप जाओ। इसलिए दवा का नियम है, इंजेक्शन कहां लगना चाहिए वो प्रॉपर एक नियम है, वैज्ञानिक पद्धति है। वैसे ही कथा भी विज्ञान से भरपूर है, इसमें जगह जगह वैज्ञानिकता है। जो भी कथा को सुनेगा इन नियमों के साथ, हमारी कथा साइंस से अलग नहीं, साइंस इससे प्रकट हुआ है, इससे प्रकट हुआ। तुम अपने विज्ञान की बात, हम तर्कवादी लोगों से बहुत विरोध में नहीं है, जो तर्क वाले लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी हमसे वो कोई क्वेश्चन करते हम स्वागत करते हैं, आप क्वेश्चन करो, आई एक्सेप्ट इट, हमारे पास जवाब है, हम जवाब देंगे और तुम्हें मुंह तोड़ देंगे। एक आदमी मिला, अब हम ये नहीं बताएंगे कि वो महाराष्ट्र का था, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि अभी 4 दिन हमें रुकना भी है टिकना भी है। अब वो तो एक आदमी तो तुम्हें वर्ल्ड फेमस पता ही है, टकला,
नागपुर वाला। अब खैर वो गायब हो गया बेचारा, बहुत दिन से मिला नहीं, तुम्हें दिखा क्या? हमको नहीं दिखा। तो मेरे प्रियजनों, वो हमसे कह रहा था, बोले हम तो विज्ञान के आदमी हैं, अनुभव की बात मानते हैं, और हम आपकी ये बातों में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं कि ये चमत्कार सिद्धि भगवान होते कि नहीं होते, हमें तो आप अनुभव करके बताओ तो भगवान होते हैं। हमने कहा तुम विज्ञान के आदमी हो? बोले विज्ञान के। हमने कहा तुम बिना अनुभव के नहीं मानते? बोले कभी नहीं हमने माना, जब तक अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक मानते नहीं। हमने कहा एक बात बताओ, जहर होता है कि नहीं होता है? बोले होता है। हमने कहा कितनी बार पिया? बोले पिया तो नहीं है। हमने कहा तुझे कैसे अनुभव? बोले नहीं नहीं हमने सुना है, वो किताबों में पढ़ा है। हमने कहा वही हम तुमसे कहना चाहते हैं कि हमने भी सुना है, अनुभव किया है, और रामायण में पढ़ा है कि राम होते हैं। इसलिए कथा के एक नियम है, तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको तो उठो, कथा में आरती के पहले आकर बैठो, आरती के बाद में जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ, कथा का चिंतन घर पर सोते समय करो, जागने के बाद करो, जो कथा सुनी उसका चिंतन करो। पांचवा नियम, आहार की शुद्धि रखना। आहार जानते हो? भोजन। आप इतना खाओ, वैसे तो व्रत रहना चाहिए, फल पाओ, जूस पियो, पर अगर कोई आपको बीमारी है ना, खा सकते हो, दोनों टाइम खा सकते हो, पर इतना ज्यादा मत खाना कि कथा के बीच में ही जाना पड़े, थोड़ा कम पाओ, लिमिट का पाओ, बगल वाले को भी तुमसे दिक्कत ना हो, तो थोड़ा कम पाओ, तुमको भी दिक्कत ना हो, बगल वाले को भी दिक्कत ना हो, थोड़ा सा कम पाओ। ये आहार पर शुद्धि। छठवां नियम, आसन लेकर के आप आओ तो ठीक है, नहीं तो आसन यहां बिछी है लाल कलर की, उसी को आसन मान के पहले प्रणाम करो, मन को एकदम शांत करो, और कथा में जो चरित्र बताए जाए ना, उसे किसी और का चरित्र नहीं, उसे अपना ही चरित्र मानो, अपने आप को वहां देखो। सातवां नियम, कथा का सातवां नियम यह है, झूठ मत बोलो, वैसे तो तुम्हें मानना है नहीं, पांच दिन की कथा में पांच दिन मत बोलना। अच्छा, झूठ ना निकले इसका उपाय क्या? तुम पांच दिन कम बोलो, उतना ही बोलो जितने में काम चल जाए, कम बोलने से झूठ कम बोलता है, ज्यादा बोलने से लंबी लंबी आदमी फेंकता, अब कुछ भी नहीं तो ऐसे ही फेंकता, अरे बोले हमारे जमाने में कथा हुई थी, 1.5 लाख लोग आए थे, अब भले ही 150 लोग आए हो, तो कम बोलेंगे ना, झूठ कम बोलेंगे। आठवां नियम, अपने दुश्मन पर भी ईर्ष्या मत करो, अगर आपके सामने शत्रु भी आ गया कोई ईर्ष्या मत करो, स्वागत करो उसका, अगर नहीं भी बोलना है ना इग्नोर करो। नौवां नियम, मांस मदरा आदि का भक्षण मत करो, मदरा का पान मत करो, मांस आदि तामसिक भोजन का आहार स्वीकार मत करो। और दसवां नियम, आप पांच दिन तक ध्यान करना प्रारंभ करो, राम जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, जो प्रिय लगे, 1 घंटे बंद कमरे में, 10 मिनट बंद कमरे में, 5 मिनट मिले बंद कमरे में, लाइट बंद करो, दीपक जलाओ, लाल आसन बिछाओ, कपड़े एकदम ढीले, ऐसे कोई भार ना हो, कम कपड़े पहनो, और एकदम श्वास लंबी भर के हनुमान जी के चित्र का, चरित्र का, राम जी के चित्र का, विट्ठल नाथ भगवान के, संत ज्ञानेश्वर महाराज के, संत गजानन महाराज के, संत तुकार, जगत गुरु तुकाराम महाराज के, जनाबाई के, जिनका भी तुमसे प्रेम हो, जिन गुरु से प्रेम हो, उनका ध्यान करो, लंबी लंबी श्वास भरो, धीरे धीरे श्वास छोड़ो, नाम जप करो। ये 10 नियम आप अगर कथा का करेंगे तो आप 5 दिन में परिणाम पाएंगे कि आप जो पाने आए हैं वो कथा से आप लेकर के जा रहे हैं। केवल 5 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, छठवां दिन नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम कथा में किस लिए आए हो, केवल कथा के लिए आए या तुम तमाशा देखने आए? तुम तमाशा देखने आए तो सिर्फ तुम्हें तमाशा दिखाई देगा, और तुम्हारे हाथ तमाशे के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम कथा में कथा के लिए आए हो तो तुम्हारे जीवन में राम का चरित्र हाथ लग जाएगा, राम का चरित्र जीवन में हाथ लग जाए। इन 10 नियमों का पालन करके आप 5 दिन की चर्चा को सुनेंगे,
एक बात और, कामुक चीजें बहुत कम देखना है, इनका मंथन भी बहुत कम करना है। आजकल सबसे ज्यादा ये घातक हो गया युवान बच्चों में। जब से ये मोबाइल आया हमारी युवान बच्चे बहुत बिगड़ गए, हमारे युवान बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, इनका वीर्य क्षरण हो रहा है, इनका तेज घट रहा है, हमारे युवान बच्चों की याददाश्त जा रही। हमारे पास युवान बच्चे हमको मिलने आते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, मन बहुत विचलित है। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुमने मन को इतना घुमा दिया है कि वो मन वहां घूम रहा है, यात्रा पर, ट्रेवलिंग पर निकल गया मन। तुम तो यहां हो पर पता लगे तुम्हारा मन अभी चाट खा रहा है। किसी का मन मार्केट घूम रहा है, किसी का मन टीवी घूम रहा है, किसी का मन बीबी में भी घूम रहा है, चल रहा है, भाग रहा है। और तुम, हम आपको आज कथा में बहुत प्रारंभ में बहुत बड़ी बात बोले, शायद तुम्हें समझ में नहीं आई, फिर से दोहराते। हमने कथा में कहा कि आप ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी मतलब दिखावे की जिंदगी। आप जो नहीं हो वो दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। एक, आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा। दो, आपको ढोंग के लिए, दिखावा के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। तीन, आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम जो हो वो इज्जत तुम्हारी कोई नहीं मिटा पाएगा। वरना तुम्हारा डेढ़ मिनट में ईगो हर्ट हो जाता है। आप दिखावा की जिंदगी जी रहे, आप एमएलए हैं नहीं पर एमएलए के आप भतीजा बता रहे, बड़ी टेंशन। अब कोई तुम्हें सलूट ना मारे, कोई तुम्हें आगे ना बैठाए, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के स्वागत ना करे, तुम्हें तुरंत दिमाग खराब हो जाना है। पर तुम कथा में आए हो सम्मान दिलाने राम को आए हो या तुम खुद सम्मान पाने आए हो? तुम राम को जानने आए हो या दूसरों को, अपने आप को जनाने आए हो? फिर राम को जानना बहुत आपके लिए शुद्ध हो जाएगा, खुद को जनाना आपके लिए उत्तम हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, कथा में आप कौन हो ये घर पर रख कर आओ, कथा में तो तुम राम जी को पागल हो ये सोच करके आओ। माथे पर टीका, अपने बच्चों को भी सुनाओ 5 दिन का चरित्र इसी नियम के साथ। 5 दिन में तुम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन देखो। बहुत क्रोधी बच्चा है, ये 5 दिन का नियम डालो, व्रत का डालो, प्रातः काल उठाओ, उसे जबरदस्ती 5 दिन उठाओ, 5 दिन कथा में बैठाओ, 5 दिन के बाद 6वें दिन उसके जीवन में परिवर्तन देख लीजिए। आपका बालक महान ना बनने लगे, आपका बालक राम के चरित्र के आदर्श पर ना जीने लगे तो कहना। ये राम कथा बहुत अद्भुत है। इसका प्रागट्य आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी से हुआ है। वाल्मीकि जी वो जिन्होंने उल्टा नाम जप करके राम जी को पा लिया। रामायण में इसकी चौपाई पंक्ति दी गई, उल्टा नाम जपौ जगे जाना, महान हो गए। बोलो सीताराम। किसके बल पर? राम कथा के बल पर। क्यों? उपद्रव करते थे, नारद जी मिल गए। नारद जी कौन है? महात्मा है। नारद जी को ही पकड़ लिया, ए बाबा कहां जा रहे हो? नारद जी बोले जा रहे हैं भगवान के रास्ते पर। वाल्मीकि जी बोले जो भी तुम्हारे पास कमंडल तंबूरा हो हमको दे दो। नारद जी बोले क्यों दे दे? वाल्मीकि जी बोले हमारा काम है जो यहां से निकलता है, हम टैक्स लेते हैं। नारद जी बोले तुम सरकार हो क्या जो टैक्स लेते हो? ना ना ना, हमारा परंपरा है। नारद जी बोले भैया वाल्मीकि ये बताओ
ये छीना झपटी करके जो तुम सामान ले जाते हो किसको देते हो? मां महाराज हमारी पत्नी है उसको देते हैं, बढ़िया बढ़िया बच्चों को देते हैं, आनंद के साथ रहते हैं। नारद जी बोले भैया जब मरोगे तो जो पाप तुमने किया है वो तुम भोगोगे या पूरा परिवार? वाल्मीकि जी बोले महाराज जब सब लोग मजे ले रहे हैं तो सब भोगेंगे? नारद जी बोले पूछ के आओ सब भोगेंगे कि नहीं। वाल्मीकि जी बोले हमको उल्लू मत बनाओ, हम जब तक पूछने जाएंगे तब तक तुम भाग जाओगे। नारद जी बोले ज्यादा है तो बांध दो, पेड़ से बांध दिया। वाल्मीकि जी घर आए, पत्नी से कहा अरे देवी। पत्नी बोली आप इतने जल्दी आ गए, क्या बात है, आज कुछ मिला नहीं क्या? नारद जी बोले आज कुछ नहीं मिला, एक क्वेश्चन मिल गया, प्रश्न मिल गया। क्या? देवी हम जो पाप का काम करके लूट घसोट करके छीन करके सामग्री लाते हैं, वस्तुएं तुम्हें दे देते हैं तो उसका पाप लगेगा, पाप लगेगा तो क्या तुम पाप को भी बांटोगी हमसे या नहीं? पत्नी बोली महाराज क्षमा करो, जो करेगा सो भरेगा, हम तो पत्नी है, चाहे छीन करके लाओ चाहे मजदूरी करके लाओ, हमें तो भोजन से लेना देना, तुम्हारी चोरी डकैती से कोई लेना देना नहीं है। अब तो वाल्मीकि जी ने सबसे पूछा, सबने जवाब दे दिया, दिमाग खराब हो गया। भागे भागे महात्मा नारद जी के चरणों में आ गए, महाराज अपराध हो गया क्या करें? नारद जी ने कहा राम राम कहो। महाराज जो नाम तुम ले रहे लिया नहीं जा रहा, क्यों? तुलसी पूरब जन्म ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के रोग से स्वाद मुंह को जाए। ज्वर मतलब बुखार, जैसे आज हमें चाय का स्वाद नहीं आया दिन भर न नमकीन का, तो हम भीतर बैठे बैठे पूछ रहे थे कि क्या बात है हमने इतनी चाय पी ली, चाय अच्छी नहीं लग रही। तो एक सेवादार हमारा बोला गुरुजी आपको बहुत थकावट है और नींद की जरूरत है, इसलिए तुम्हें जो है चाय का स्वाद नहीं आ रहा। तब हमारे मन में आया कितनी अद्भुत बात है, चाय का स्वाद इसलिए नहीं आता है क्योंकि ज्वर रोग आ गया अंदर, और ज्वर हो जाने से चाय का स्वाद मुंह का चला गया। उसी प्रकार पापी को भगवान की कथा भी प्रिय नहीं लगती है। जैसे बुखार में बढ़िया बेहतरीन पनीर भी प्रिय नहीं लगती, बढ़िया बेहतरीन दाल बाटी भी प्रिय नहीं लगती, वैसे ही पापी को भगवान की कथा भी प्रिय नहीं लगती है। बोलो सीताराम। वाल्मीकि जी बोले ये जो नाम तुम ले रहे हो हमसे नहीं लिया जा रहा। नारद जी बोले कौन सा नाम निकल रहा? बोले मरा राम नहीं उल्टा मरा मरा मरा। नारद जी को बोले कहो राम। वाल्मीकि जी बोले मरा, मैं तो मरा मरा मरा। नारद जी बोले यही जपते रहो महाराज, पर नाम तो बोल लेना है। नहीं नहीं यही जपो, यही वो हो जाएगा, यही वो हो जाएगा। वाल्मीकि जी कहने लगे मराम 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 मराम, और कब मराम मराम राम हो गया। और उल्टा नाम जपौ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म के समान हो गए। और तमसा नदी के किनारे स्नान करने गए, वहां पर एक व्याध ने शिकारी ने क्रौंच पक्षी को तीर मारा, वह क्रौंच पक्षी जमीन पर गिर गया। इनके अंदर से पद्य रचनात्मक कवि प्रकट हो गई, सरस्वती बाग देवी की कृपा हो गई, और बड़े पद्य स्वर में बड़े करुण स्वर में मां कहते हुए एक श्लोक प्रकट हुआ जिसमें 32 अक्षरों का अनुष्टुप छंद था वो प्रकट हुआ। यही पूरे विश्व की सबसे पहली कविता की रचना हो गई, रामचरितमानस प्रारंभ हो गई।
अच्छा देखो, क्रौंच पक्षी को व्याध ने मारा तो दो प्रकार से व्यक्ति बात करता, एक गद्य में एक पद्य में। जब प्रेम में होता है तब पद्य में बात करता, गाना गाकर। गाना गाकर बात करना पद्य में, सामान्य बात करना गद्य में। लेकिन धन्य है वाल्मीकि जी, इन्होंने तो करुण में शोक में भी पद्य रचना प्रकट की। वापस आए तब श्री ब्रह्मा जी मिले, कहा तुम राम जी के चरित्र को लिखो, तुम्हारे अंदर कविता रूपी देवी प्रकट हो गई है। वाल्मीकि जी बोले हमें तो पता ही नहीं है राम जी क्या है, कौन है, कैसे हैं। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम ध्यान में बैठो, तुम्हें सब पता चलता जाएगा। और जहां वाल्मीकि जी ध्यान में बैठे तो सब चित्रण गुप्त और प्रकट, सभी चित्रण वाल्मीकि जी के सामने आने लगा। अब पूरे विश्व की सबसे बड़ी चरित्र और सबसे प्यारा चरित्र आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रामायण की रचना तैयार हो गई। लेकिन ये तो वाल्मीकि रामायण की बात है, हम लोग तो ज्यादा रामचरितमानस तुलसी रामायण को गाते हैं। ये तुलसी रामायण किसने लिखी और क्यों लिखी, जब एक रामायण ही काफी है? वाल्मीकि रामायण पहली रचना है, तो तुलसीदास जी को हिंदी में लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों पड़ गई? आहा, वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण का रचना कर दिया, ध्यान से सुनो, उसी समय कुछ दिन बाद हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से रामायण लिखी पत्थरों पर, जिसका नाम हनुमान नाटकम है। और बड़े बड़े शिलाओं पर रामायण लिख करके वाल्मीकि जी के आश्रम में रखा। वाल्मीकि जी ने पूछा ये क्या है, हनुमान जी बोले रामायण है। वाल्मीकि जी ने जब पत्थरों पर नाखूनों से लिखी हुई रामायण को पढ़ा तो इन्हें लगा हमारी पिक्चर तो फीकी है, इनकी तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी, बड़ी प्यारी रामायण है, एक एक अक्षर लिखा हुआ है। सोई वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, महाराज वरदान दो। हनुमान जी बोले मांगो। वाल्मीकि जी बोले पहले वचन दो, जो मांगेंगे वो दोगे? हनुमान जी बोले तथास्तु, वचन देते हैं कहो। वाल्मीकि जी बोले जो आपकी रामायण है इसे समुद्र में डुबा दो। हनुमान जी बोले क्यों? महाराज आपकी रामायण अगर मार्केट में आ गई तो हमारी कोई नहीं पूछेगा। हनुमान जी ने वचन दिया था, समुद्र में रामायण को तो डुबा दिया, लेकिन हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे अंदर कलयुग के मनुष्यों जैसा देश आ गया, ईर्ष्या आ गई, हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम्हें हमारी रामायण लिखने के लिए कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और हमारी रामायण को तुम्हें हिंदी में लिखना पड़ेगा। वही वाल्मीकि जी कलयुग में उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में हुलसी के पुत्र तुलसी बनकर के प्रकट भए हैं। और हुलसी के पुत्र तुलसी बनकर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा, यही रामचरितमानस आज हम सब लोग गाते हैं। इसलिए हमने कहा ओ जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा, ओ जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा, आ जय जय राम कथा सुनो भाई राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, जाती है श्रवण जाती है। सौ जन्म जन्म की व्रता हो जय जय मानस को ही हम लोग गाने को बैठे हैं। तो ये पता चल गया कैसे सुनना है, ये भी पता चल गया कि राम कथा कैसे प्रगट हुई है।
राम कथा सुनने का फल और सुनो, अनेक फल हैं। जो रामचरितमानस पढ़ेगा, सुनेगा, जीवन में उतारेगा, वो कुछ पाएगा या ना पाएगा, पर हनुमान जी को जरूर पाएगा। पाएगा तो सब कुछ, पर हनुमान जी को भी पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब हम क्या बताएं, बहुत लोग आते हैं हमारे पास, हम बहुत कथा सुनते गुरुजी, पर फायदा नहीं होता है। एक बार हमने यही नागपुर में कथा में कहा कि स्वर्ग किस किस को जाना है, जरा हाथ उठाओ। बहुत लोगों ने तुम्हारे जैसे हाथ उठा लिए। अच्छा, यहां किस किस को स्वर्ग जाना है, हाथ उठाओ। ठीक है, नीचे कर लो। जैसे कुछ लोगों ने नहीं उठाया, ऐसे ही एक आदमी ने और नहीं उठाया था, तो हमने उससे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। बोले गुरुजी हमारा नाम है चंगीलाल। हमने कहा तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है, तुमने हाथ नहीं उठाया। बोले गुरुजी क्षमा करो, हमारी पत्नी कह रही थी कथा सुन के सीधा घर आना, वरना टांगे तोड़ देंगे। ऐसे डरपोक लोग भी होते हैं। बहुत लोग कहते गुरुजी कथा काम क्यों नहीं करती, कथा कुछ फल क्यों नहीं देती। भैया कथा फल तो देती है, क्या तुम फल लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, ये महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध से एक आदमी ने कहा कि आप कहते हो कि प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष पा सकता, लेकिन फिर वो पा क्यों नहीं लेता। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम एक पेन कागज लो, गांव में जाओ और पूछ कर आओ किसको क्या चाहिए, भगवान देने को तैयार। तो वो गांव गए, गांव में व्यक्ति का नाम पता किया, फिर पूछा क्या चाहते हो, तो जिसे जो चाहिए था वो बताया। शाम को जब गौतम बुद्ध के पास वो व्यक्ति रजिस्टर लेकर आया, गौतम बुद्ध ने कहा कि बताओ कितने लोग मोक्ष पाना चाहते। पर आश्चर्य की बात है कि रजिस्टर में एक भी नाम ऐसा नहीं था जो मोक्ष पाना चाहता हो। कोई बेटा चाहता था, कोई पत्नी चाहता था, कोई पड़ोसी चाहता था, कोई मकान चाहता था। तब गौतम बुद्ध ने कहा भैया हमने ये कहा था कि मोक्ष सब पा सकते हैं, पर ये भी तय है कि पाना कौन चाहता है। वही हम कहना चाहते कि कथा से हनुमान जी को सब मिल सकते हैं, लेकिन तय ये है कि क्या तुम हनुमान जी से मिलना चाहते हो। यदि हां तो ना जाने किस रूप में नारायण, किस रूप में आपको नारायण मिल जाएंगे कोई ठिकाना। बोलो सीताराम। इसलिए राम नाम, राम की कथा बड़ा प्यारा साबुन है। साबुन जानते हो, साबुन क्या होता है, मैल को खत्म कर देता। राम कथा क्या, हे जीरे का मेल मिटा।
हैं तुझसे कोई दूर नहीं। राम 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 गाइए तुझसे कोई दूर नहीं। देख सके ना आंख जो उनको उन आंखों में नूर नहीं। देख सके सके जो आँख ना उनको उन आँखों में नूर नहीं। उन आँखों में नूर नहीं। उन आँखों में जो राम जी को नहीं देख पा रहा है वो देखते हुए भी अंधे हैं। लेकिन सुनो, ओ देखेगा जो मन मंदिर में, देखेगा जो हमारी। अरे पगला, पर दिया तो राम जी ने है। इस तन का अभिमान तू करता प्रभु कृपा से पाया है। हाँ प्रभु कृपा से पाया। बोलो कर क्यों उनको बिसराया है, क्यों उनको बिसराया है, क्यों उनको बिसराया है, क्यों उनको बिसराया। इसलिए सुनो, अंत समय ये नाम ही धन है। अंत समय दर्शन
जो मन का मैल मिटवाएगा निर्मल मन के दर्पण में जो राम के दर्शन जाएगा ना अगले जन्म में उसकी शादी बहुत देर से हो जाएगी। उठाओ दोनों हाथ। तुम लोग हरा हरा महादेव।
और राम नाम के साबुन से जो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटवाएगा निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा सब गाओ निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन किसके दर्शन पाएगा अरे जोर से बोलो निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन हे जी रे बैठ जाओ बैठ जाओ भैया यहाँ दाम लगे न रुपया राम राम कहो भैया दाम लगे न रुपया राम राम कहो भैया दाम लगे न रुपया राम राम कहो भैया राम राम कहो भैया यही है जगत सैया सीताराम बोलो साधु जी जोर से तो बोलो और जोर से बोलो तो हम सब आपको रामचरितमानस के प्रकट की महिमा बता चुके आपको राम कथा सुनने की महिमा बता चुके अब राम कथा का फल भी बता चुके अच्छा राम कथा का फल क्या एक चौपाई में सुनो जा किए रही भावना जा किए रही भावना होगी राम कथा का फल उसको वैसे ही प्राप्त होगा मेरे पागलों राम कथा जो जिस दृष्टि से देखता है उसी दृष्टि से उसको फल प्राप्त हो जाता है नजर का खेल किसी को परमात्मा की मूर्ति में पत्थर दिखाई देता किसी को पत्थर में परमात्मा दिखाई देता है हैं किसी को नदी पानी दिखाई पड़ता पर किसी को नदी गंगा जल दिखाई पड़ता है अपनी अपनी आंखों का खेल है और जो जिस नजर से देखता है जो पानी मान के पीता उसकी प्यास बुझती है लेकिन जो गंगा जल मान करके पीता है उसके भीतर के प्यास के साथ साथ पाप भी मिटते हैं बोलो सीताराम उसी प्रकार कथा को तुम अगर मनोरंजन की दृष्टि से देखोगे तो 3 घंटे का मनोरंजन है लेकिन तुम आंखों का ज्ञान के अंजन की दृष्टि से देखोगे तो यह कथा इतनी सामर्थ्यवान है कि तुम्हारे मन मंदिर में ही राम को प्रकट करने की क्षमता रखती है बोलो सीताराम जोर से बोलो इसलिए राम कथा फल क्या है बोले जो सुनेगा वो पाएगा बोले किसको बोले राम जी को बोलो सीताराम
रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बाल्य कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांड के अंतर्गत रामचरितमानस है। अच्छा, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। अच्छा या बुरा, नेताओं का घोटाले का कांड, लोगों के कुछ और कांड, सबके अपने अपने कांड होते हैं, अब हमारे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके जितने भी बुरे कांड हो लौट के मत करना, लेकिन 7 कांड वाली रामचरितमानस सुन लोगे तो कभी ऐसा कोई कांड नहीं होगा जिस कांड के चक्कर में तुम्हें जेल जाना पड़े। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो 7 कांड रामचरितमानस में, और पहला कांड बाल कांड है। बाल कांड में प्रारंभ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने प्रथम सोपान का नाम दिया और प्रथम सोपान में 7 श्लोकों को लिखा। अच्छा, 7 श्लोक लिखे, कांड भी 7, श्लोक भी 7, आखिर क्या है बात? ऐसी कौन सी बात है कि कांड 7, श्लोक 7? तब हमें एक बात समझ में आई, पूछो क्या? रामायण के रामचरितमानस के 7 कांड इसलिए हैं कि जिंदगी के दिन भी 7 होते हैं, ये 7ों दिन राइट हो जावे, इनमें सब कुछ राइट हो जावे। एक एक दिन के लिए एक एक कांड अगर जीवन में उतार लिया जाए तो 7ों दिन तुम्हारे ठीक हो सकते हैं। इसलिए 7 कांड 7 दिन। एक और बात, दूसरी बात, सरगम में जो शास्त्रीय संगीत जानते होंगे उनको पता होगा, सरगम के 7 स्वर होते, कितने? सा रे गा मा पा धा नी, फिर 7 थोड़ी 8 हो जाएंगे, 7, सा रे गा मा पा धा नी, बस ये 7 हो गए। ये 7 स्वर हैं सरगम के, और रामायण के कांड भी 7, मतलब रामचरितमानस की चौपाई किसी भी स्वर में गाओ सब में बढ़िया लगती है, इसलिए 7 कांड और 7 श्लोक लिखे गए प्रारंभ में। अथवा तीसरा कारण सुनो, 7 कांड ही क्यों लिखे तुलसीदास जी ने? हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग, सनातन एक ऐसा धर्म है, बाकी धर्मों में तो विवाह कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध, हम लोगों के सनातन धर्म में विवाह कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध नहीं अपितु संबंध होता है। बोले कितने दिन के लिए? बोले 7 जन्म के लिए। हम लोग कहते ना, 7 जन्म तक 7 है हमारा और तुम्हारा। एक आदमी हमें मिला मोहाड़ी का, हमने कहा एक बात बताओ कहां जा रहे हैं? बोले आत्महत्या करने। हम कहा क्यों? बोले इस जन्म में तो बीवी खतरनाक मिली। हमका अगले जन्म तो मरने क्यों जा रहे? बोले अगला जन्म मिलेगा कम से कम ठीक ठाक तो मिलेगी। हमने उसे समझाया कि एक विवाह 7 जन्म तक चलता है, उसने मरना कैंसिल कर दिया। हमने कहा आप तो मरने क्यों नहीं जा रहे? अरे बोले अब मरने से क्या फायदा जब दूसरे जन्म में फिर यही मिलनी है, इससे अच्छा जी यही लो। बोलो सीताराम, तो बाकी धर्मों में 7 जन्म की बात नहीं है, बाकी धर्म है ही नहीं, मजहब है। बाकी मजहब में तो 3 बार तलाक कह दो हो जाता है खेल। कितने कमजोर लोग हैं, 3 बार कुछ कह दो सो अलग हो जाते हैं, हमारे यहां 100 बार भी गाली दे दो तब भी जुड़े रहते हैं। कितना अच्छा सनातन है, कितना अद्भुत सनातन धर्म है। अच्छा, उनके में तो ना जाने इतनी बुरी आपते हैं, भैया भी संया, भैया भी संज्ञा बना लेते हैं। धन है हमारा सनातन, कितनी पवित्रता है। हमारी यहाँ बहन को, हमारी यहाँ बहन की लिए जो दृष्टि होती वो भगवती देवी की दृष्टि होती है। बोलो सीताराम, तो 7 कांड रामचरितमानस में है 7ों जन्म सुधारने के लिए। बोलो सीताराम, लेकिन महाराष्ट्र वाले भी कम खतरनाक नहीं हैं। हमको मोहाड़ी का चंगी लाल मिला,
बोला गुरुजी तुम तुलसीदास जी की जय बोलते हो, गलत बोलते हो, बंद करो। हमने कहा क्यों? बोले तुलसीदास जी तुलसीदास तब बने जब लुगाई से गाली सुनी, पत्नी ने जब फटकार लगाई तब तुलसीदास जी तुलसीदास बने। इसलिए तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है, उनकी पत्नी रत्नावली की महिमा है। रत्नावली की जय बोलो। हमने कहा ठटरी के बरे न कटा। चंगीलाल बोला क्यों? हमने कहा पत्नी की डांट सुनने से अगर कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास बैठे होते। कई लोग तो डांट नहीं बिल्लन चमीटा भी खा जाते हैं, वे तो तुलसीदास के और ऊपर वाले भी ना बन जाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो सात कांड क्यों? सात जन्म सुधारने के लिए, सप्त स्वरों में गाने के लिए, सातों दिन ठीक करने के लिए। अथवा एक कारण और सुनो, सात कांड ही क्यों रामचरितमानस में लिखे गए हैं? हमको एक संत ने बहुत अच्छी बात बताई, पृथ्वी पर कितने सागर हैं, समुद्र कितने हैं? जोर से बोलो। किसी भी समुद्र के किनारे बैठ कर के गा सकते हो। जैसे नाव सागर पार करा देती है, वैसे ही कथा रूपी नौका भव सागर पार करा देती है। अच्छा, लेकिन समुद्र की एक बात है, सागर कहते हैं समुद्र को, हाँ जी या ना जी? लेकिन समुद्र की एक बात है, समुद्र के जिस किनारे पर तुम खड़े हो वो किनारा तो दिखाई देता है पर दूसरा नहीं दिखाई देता। एक किनारा तो दिखाई देता पर दूसरा नहीं दिखाई देता। पर दूसरा नहीं दिखाई देता इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरा किनारा नहीं है। उसी प्रकार जिंदगी का भी एक हिस्सा है कि तुम जिस हिस्से में खड़े हो वहां तुम तो दिखाई देते हो पर दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई देता। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं है। जैसे समुद्र का एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी होगा, वैसे ही जिंदगी में अगर आत्मा है, महात्मा है, तो परमात्मा ही तो है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए सात कांड रामचरितमानस में गाए गए। अच्छा और सुनो पांचवी बात, पांचवा कारण, सात कांड ही क्यों है रामायण में? राम जी का नाम कौन से अक्षर से शुरू होता है? रा। रा अक्षर की राशि कौन सी है? तुला। राम जी का नाम रा से शुरू होता और रा की राशि है तुला, और राशियां होती 12, और 12 राशि में जो तुला राशि है वो सातवीं राशि है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला। इसलिए सातवीं राशि के कारण हर राशि के लिए एक एक कांड लिख दिया और सातवीं राशि के लिए राम के लिए सात कांड समर्पित कर दिए तुलसीदास। इसलिए रामचरितमानस के सात कांड हैं। कौन कौन? देखो, हिंदुओं को अपने ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए पर्याप्त। हम लोग इसलिए कमजोर हैं, वेब सीरीज में दिखाया जाता है तुम्हारे भगवान ने ऐसा किया वैसा किया तैसा किया, और हम लोगों को नीचा दिखाया जाता, उनकी ठटरी, उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं, गीता पढ़ी नहीं, महाभारत जानी नहीं। हमारा सनातन जैसा महान कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। इतना विशाल, इतना महान, इतना विज्ञानिक, शुद्ध विज्ञानिक भरा हुआ सनातन है। बोलो सीताराम, औरों को तो एक ही किताब है, और मजहब वालों के पास एक ही किताब है हरी। चाहे उल्टी पढ़ो, चाहे पलटी पढ़ो, चाहे बीच में पढ़ो, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इधर देखो, आहा, चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, गीता, महाभारत, 108 उपनिषद, 108 उपनिषदों के सूत्र, मीमांसा, मनुस्मृति, 18 उपपुराण, वेदों के भी निरूपण। आहाहा, पढ़त पढ़त बाप दादा परदादा हमारे चले गए फिर भी पढ़ नहीं पाए, औरों की तो एक ही किताब है, 1.5 घंटा में फिनिश।
बताओ धनवान कौन है, निर्धन कौन है? सीताराम। औरों के पास तो एक ही भगवान है, किसी का लटका है, किसी का खटका है। बोले क्या? बोले कपड़ा भर चढ़ाओ जय सियाराम। फोटो तक नहीं है अपने वाले? आहा, ये देखो पीछे है, इधर देखो इधर, दो दो मुकदर धरे, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। उनके उनके तो फोटो ही नहीं है। बस इतने में ही काम चल रहा है। इधर देखो कितने धनवान हैं, दो दो मुकदर वाले। इधर देखो, इधर देखो, ये शायद चांदपुर वाले हनुमान जी है, वही है? कोई और है? मंडी वाले मंकी अब तुम लोग अपने हिसाब से गुड़ा भाग लगा लो। आओ ए? मंडी वाले, नदी वाले, नदी वाले हनुमान, नरसिंह भगवान, अब ऐसे ही तुम उनसे पूछ के आओ कि तुम्हारे लोग कौन कौन भगवान है। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले, सारा हाथ उठा करके, नरसिंह वाले हनुमान, नरसिंह वाले हनुमान, लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान, लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान, लाल हाथ उठाओ सोटा, मुख में बीड़ा पान। चांदपुर वाले हनुमान, चांदपुर वाले हनुमान, चांदपुर वाले, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर बालाजी को मानता है? दोनों हाथ उठा लो, जाओ तुम्हारी भी झोली भरेगी। सच्चे मन से जो भी यहाँ पे नर नारी जन आते हैं, सच्चे मन से जो भी वहाँ पे नर नारी जन जाते हैं, अर्जी लगा दे परिक्रमा कर अपने भाव सुनाते हैं, अर्जी लगा कर परिक्रमा दे भाव सुनाते हैं, अर्जी लगा के परिक्रमा दे अपने भाव सुनाते हैं, अर्जी लगा के परिक्रमा दे अपने भाव सुनाते हैं। कौन कौन बागेश्वर बालाजी की कृपा पाना चाहता है? दोनों हाथ उठा के सुनो, ताली बजाते हुए झूमते हुए, ओ अर्जी लगा के परिक्रमा दे अपने भाव सुनाते हैं, अर्जी लगा के परिक्रमा दे अपने भाव सुनाते हैं। ओ सन्यासी बाबा की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से हो जाता कल्याण, सन्यासी
सन्यासी बाबा की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से हो जाता कल्याण। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान। महाराष्ट्र से लगे हुए मध्य प्रदेश में एक हनुमान जी हैं, हम गए नागपुर कथा में, आप जानते होंगे उनको। जाम सावली वाले हनुमान, जाम सावली वाले, जाम सावली वाले हनुमान, जाम सावली वाले, जाम सावली वाले हनुमान, जाम सावली वाले, जाम सावली वाले हनुमान, जाम सावली वाले। अब वही ताली नहीं बजाएगा जो रावण के खानदान का होगा। हरि बोल, मस्ती में झूमते हुए ये बात। पकड़ के बाबा मार चमीटा भगाते हैं, कभी शनिवार को जाना बागेश्वर धाम, लाखों भूत मिलेंगे तुमको। बाबा भूत प्रेत को पकड़ के बाबा मार चमीटा भगाते हैं, भूत प्रेत को पकड़ के बाबा मार चमीटा भगाते हैं, प्रेत को पकड़ के बाबा मार चमी का भगाते हैं, प्रेत को पकड़ के बाबा मार चमी का भगाते हैं। उनके दर पर दादा गुरु जी वही अर्जी लगाते हैं, उनके दर पर दादा गुरु जी सदा ही अर्जी लगाते हैं, उनके दर पे दादा गुरु जी सदा ही अर्जी लगाते हैं। ये जो चित्र दिख रहा हमारे दादा गुरु जी का दिख रहा, इन्होंने 40 वर्ष तक हनुमान जी की तपस्या की, हनुमान जी के दर्शन करे और इन्हीं की कृपा से दिव्य दरबार पूरे विश्व में लगाया जा रहा है। तुम भी अपनी झोली भरने के लिए गाओ दोनों हाथ उठाकर नाचते हुए। इन्हीं के दर पे दादा गुरु जी सबकी अर्जी लगाते हैं, इन्हीं के दर पे दादा गुरु जी सबकी अर्जी लगाते हैं, इन्हीं के दर पे दादा गुरु जी सबकी अर्जी लगाते हैं, सत्य सनातन का परचम हो, सत्य सनातन का परचम फहराए बड़ा ईशान, सत्य सनातन का परचम फहराए बड़ा ईशान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले उठा लो दोनों हाथ पागलो, जय हो हनुमान जी, जय हो। Thank you.
अरे बागेश्वर बालाजी है कैसे, तीन दुखियों के दाता है, सबके भाग्य विधाता है। अच्छा तीन दुखियों के दाता क्यों, इसलिए अर्जी बहुत जगह लगती, चमत्कार बहुत जगह होते, दरबार बहुत जगह लगते, पर बागेश्वर सरकार बालाजी ऐसे हैं यहाँ की दान पेटियों से गरीब बेटियों के घर बस जाते हैं। तीन दुखियों के भाग्य विधाता दाता बागेश्वर वाले हैं। यह बागेश्वर वाले बाबा भाग्य विधाता हैं, दाता हैं, उनके सहारे हैं, जिसका कोई नहीं है उसके बालाजी सहारे। कौन कौन बालाजी का है जरा हाथ उठाओ, ताली बजाओ, पीछे वाले बगल वालों, तुम लोग वेस्टइंडीज से आए हो क्या? तीन दुखियों के भाग विधाता बाबा बागेश्वर वाले हैं। तीन दुखियों के भाग विधाता बाबा बागेश्वर वाले हैं। शक्ति इनकी अद्भुत भैया काम भी इनके निराले हैं। शक्ति इनकी अद्भुत भैया काम भी इनके निराले हैं। शक्ति इनकी अपरंपार और काम भी इनके निराले हैं। शक्ति इनकी अपरंपार काम भी इनके निराले हैं। भक्तों के ये प्राण कहावे हो, भक्तों के ये प्राण कहावे, भक्त भी इनके प्यारे हैं। भक्तों के ये प्राण कहावे, भक्तों की है शान, बागेश्वर वाले हनुमान बागेश्वर वाले हनुमान बागेश्वर वाले बागेश्वर वाले हनुमान बागेश्वर वाले हनुमान बागेश्वर वाले। ओ भक्तों के ये प्यारे हैं, भक्तों के ये प्यारे हैं, सनातन पहचान, भक्तों के ये प्यारे हैं, सनातनी पहचान, बागेश्वर वाले हनुमान 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 बागेश्वर वाले बागेश्वर वाले हनुमान बागेश्वर वाले हनुमान। ओ लाल लगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान, लाल लगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान, बागेश्वर वाले वाले हनुमान वाले सर वाले हनुमान सर वाले हनुमान वाले सर वाले वाले सर वाले हनुमान 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 लाल लगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान, लाल लगोटा हाथ में सोटा मुख में बीड़ा पान, बागेश्वर वाले हनुमान बागेश्वर वाले कौन बागेश्वर वाले हनुमान बागेश्वर वाले। पांच मिनट और बैठ जाओ फिर अपने अपने घर को जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भैया रामचरितमानस बड़ी अद्भुत है, सात कांड हैं, यही सनातन की खूबसूरती है क्या? और मजहब के लोगों के पास में इतना मटेरियल नहीं है जितना अपने सनातन धर्म की रामचरितमानस का सार है।
अरे होना है भव से पार लेकर नाम तेरा। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी की दया, सात कांड सात श्लोकों का वर्णन आया प्रथम सोपान में। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताष्टमीश्वरम् वंदे बोधमयम् नित्यम् गुरुम् शंकररूपणम् यमाश्रुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ऐसे सात श्लोकों में अंतिम श्लोक में तुलसीदास जी कहते बालकांड में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपी स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। रामचरितमानस की रचना में तुलसीदास जी कहते भैया हमने यह रामचरितमानस की रचना दूसरों के सुख के लिए नहीं की। किसके सुख के लिए की? स्वांता सुखाय, अपने सुख के लिए, जिसमें हमको आनंद मिले वही कथा हमने लिखी। देखो बात बहुत अच्छी है, ऐसे समझो दूसरों के लिए तो बहुत जीते हैं, पहले अपने लिए जीना चाहिए। अपने लिए जीने का मतलब स्वार्थी नहीं, पहले भगवान की कथा को अपने चित्त में उतारनी चाहिए, बाद में सबके लिए बांट देनी चाहिए। बोलो सीताराम। वर्तमान में, वर्तमान के आदमी बड़े खतरनाक, खुद की लाइट बुझी धरी पड़ोसी का बल्ब सुधारते हैं। स्वयं की लाइट बुझी है पर पड़ोसी का बल्ब सुधारते, स्वयं गुटखा खाते दूसरों को ज्ञान देते हैं खाना नहीं चाहिए वरना कैंसर हो जाता। बोलो सीताराम। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश बहुत देते हैं स्वयं नहीं चलते। मेरे पागलो, इंसान वही महान है जो कहता है उस पर स्वयं चलता हो। बोलो सीताराम। तो तुलसीदास जी ने ऐसी सात श्लोकों में वंदना की, सबकी वंदना की, और पहली ही चौपाई में बंदो गुरु पद पदम परागा सुरचि सुबास सरस अनुराग। पहली चौपाई में रामचरितमानस की चौपाई, बालकांड में गुरु जी की वंदना की। बोले क्यों? जिसकी जिंदगी गुरु से शुरू होती है उसका जीवन कभी अंधेरे में नहीं रहता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। पहले के जमाने में कोई भी काम करते थे गुरुजी से, माताजी से, पिताजी से पूछते थे। आज के जमाने में कोई भी काम करते हैं ससुराल में साले साहब से पूछते हैं। बोलो सीताराम। बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं पर इतना ही अंतर है। आजकल साले ही सब कुछ हो गए हैं। हमारे वृंदावन में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो। आरो जानते हो? आरा जानते हो? आरा एक छोटी सी अलमारी दीवाल में बना देते थे पहले। तो दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। इसका मतलब ये नहीं है कि साले साहब की पूंछ ना हो, हो तो, पर इतनी लंबी पूंछ ना हो कि दूसरे फंस जाएं। बोलो सीताराम।
तो बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा। पहली चौपाई में गुरु जी की वंदना, केवल गुरु जी की वंदना नहीं, गुरु जी के साथ साथ बंदौ संत असज्जन चरणा, संतों की वंदना की, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना बिछुरत एक प्राण हर ले ही मिलत एक दारुण दुख देही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों की वंदना की, लेकिन तुलसीदास जी ने पहले असंतों की। अच्छा, असंतों की क्योंकि असंत कौन? जो संतों के खिलाफ, उनको पहले प्रणाम। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि इन राक्षसों को प्रणाम क्यों कर रहे? बोले इनको पहले प्रणाम करना जरूरी है। संत अगर नहीं भी मानेंगे तो बुरा तो नहीं करेंगे, अगर असंतों को नहीं मनाया तो ये कथा ही नहीं होने देंगे। बोलो सीताराम। इसलिए बुरे आदमियों को पहले प्रणाम कितनी अच्छी सीख है। अगर कोई गंदा आदमी हो, बुरा, उसको पहले माला पहना दो, लेते हैं भाई फ्री हो जा, जा। कहीं माला ना पहनाई हो, दिमाग खराब हो गया, कहीं बंदूक तान दी, आफत हो जाएगी। तो तुलसीदास जी असंतों को पहले प्रणाम करते। अच्छा, प्रणाम में भी बड़ी अद्भुत बात, चौपाई लिखी तुलसीदास जी ने बालकांड में, बंदो खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नय पर दोसा। जितने भी दुनिया में खल हैं उनको हमारा प्रणाम। हे तुलसीदास जी, ये तुम खलों को प्रणाम क्यों कर रहे? खल का मतलब क्या? खा माने खाए, ला माने लड़े। खल कौन? जो खा माने खाए, ला माने लड़े, जिसका खाए उसी से लड़े, उसी का नाम खल होता है। ऐसे खलों से दूर रहना चाहिए। मूरख को ना समझाइए, क्यों? कोयला हो ना उजरो, नौ मन साबुन खाए, और मूरख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए। कोई मूर्ख आदमी हो, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसे समझना तो है नहीं, तुम्हारा दिमाग जरूर खराब कर देगा। ऐसे समझो, कोयला जानते हो? कोयला, कोयला कैसा होता है बोलो? काला। अच्छा, बढ़िया वाला सर्फेक्सल अगर कोयला में डाला जाए तो क्या कोयला उजरा निकल आएगा? साबुन लगाया जाए, रिन लगाए, शैंपू बढ़िया वाली अगर मसली दाए तो क्या कोयला उजरा होगा? चाहे जितना साबुन लगा दो, कोयले की कालख जाने वाली नहीं है। वैसे ही मूर्ख को कितना समझा दो, उसकी मूर्खता जाने वाली नहीं है। करें क्या? एक बार एक मुहारी में हमारा चेला रहता था पूर्व जन्म में, चंगी लाल, यही मुहारी में, बगल में यही सामने घर है उसका। हमसे बोला, गुरुजी हमें कुत्ता ने काट लिया, हम क्या करें? हमने कहा अगर बदला लेना हो तो तुम कुत्ते को काट दो, अगर तुम्हें बदला लेना हो तो तुम्हें कुत्ता ने काटा, तुम कुत्ते को काट दो, और बदला नहीं लेना है इंजेक्शन लगवाओ, घर पे पड़े रहो, लौट के उस गली से मत जाना, यही उपाय। अच्छा, कुत्ता हमें काटे, वैसे हमने उससे दूसरी बात कभी कही, वो बोला गुरुजी हमको कुत्ता ने काट दिया। हमने कहा वैसे कुत्ते कुत्ते को ही काटते हैं,
खैर वो नाराज हो गया था, लेकिन हम यही कहना चाहते कोई कुत्ता काटे तो क्या उपाय है, क्या अपन कुत्ते को काट दे? ये मूर्खता है। कुत्ता काटे इंजेक्शन लगवाओ लौट के गली में मत जाना, पागल कुत्ता है। उसी प्रकार कोई तुम्हें गाली बके मुंह चलाए, तुम भी उसको मुंह चला करके जवाब मत देना, चुप होकर के अपनी गली बढ़ते जाना, उसकी गली मत जाना। एक दिन कुत्ता को खाज होगी, वो मर जाएगा और तुम्हारा नाम दुनिया में हो जाएगा। इसी नाक महाराष्ट्र का वो टकला है आदि मानव, क्या बोलेंगे उसको, अब समझ जाओ तुम, हम नाम नहीं लेंगे, अच्छा आदमी है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हमने उसको दो ही तीन बार जवाब दिया, लौट के वो बोलते ही रहा, हमने जवाब नहीं दिया। हमने कहा भाई तुमको दिक्कत हो तो हम बैठे हैं, तुम आ जाओ, हमको दिक्कत नहीं है सो हम बैठे हैं। हमारा अर्थ यह है उदाहरण बताने का, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, पर बताने का मतलब यह है तुमसे किसी को दिक्कत होगी। लेकिन कुत्तों की एक और आदत होती, कुत्ते भौंकेंगे जरूर पर सामना नहीं करेंगे। हाथी जब गांव में जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं लेकिन सामने नहीं भौंकते, पीछे से। ये कुत्तों की खासियत है, वो भौंकेंगे पर पीछे पीछे से। उसी प्रकार तुमसे कहते कि तुम्हारा कोई विरोध करेगा ये तय है, लेकिन वो तुम्हारे सामने नहीं करेगा, पीछे से मुंह चलाएगा। और कोई तुम्हारी पीछे से निंदा करे तो तुम बहुत ज्यादा मंडन में मत पड़ना, कोई भगवान की निंदा करे तो तुम जवाब मत देना, तुम तो ऐसा काम करना कि तुम्हारे चरित्र को देख करके नास्तिक भी आस्तिक बन जावे। बोलो सीताराम। तो तुलसीदास जी ने संतों को प्रणाम किया, असंतों को प्रणाम किया, खलों को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, नाम की महिमा गाई, नाम की महिमा गाई, राम की महिमा गाई। इसके बाद में राम जन्म पर चर्चा की, भगवान शंकर के विवाह की चर्चा सुनाकर, प्रताप भानु आदि के चरित्र को सुनाकर भगवान शंकर कहते हैं माता सती से, पार्वती से, राम जन्म के हे तू अनेका परम विचित्र एक देका। भगवान राम के जन्म के अनेक कारण है जिस कारण से भगवान अवतार लेते हैं। वैसे तो अनेक कारण हैं, पर राम जी के अवतार के पांच कारण विशेष हैं, जिसमें दो कारण वरदान हैं, तीन श्राप। जय और विजय को श्राप मिली, उसके कारण राम जी आए। जलंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दी विष्णु भगवान को, उसके कारण राम जी आए। नारद जी ने श्राप दी, उसके कारण भी राम जी आए। लेकिन स्वयंभू और मनु शत्रुपा को वरदान दिया तो राम जी आए, प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने वरदान दिया, ये दो वरदान और तीन श्रापों के कारण पृथ्वी पर राम जी आए हैं। लेकिन इन पर आज चर्चा करने का समय नहीं है, हम तीन श्राप और दो वरदान पर चर्चा कल करेंगे। आज पहला दिन है, बहुत ज्यादा हम श्रमित हैं और थकावट भी बहुत ज्यादा अभी भी है, तो आज की कथा जितनी भी बनी यही विराम कर लेते हैं। कल 4:30 बजे से हम लोग कथा में आ जाएंगे, कल कथा सुनाएंगे, परसों आध्यात्मिक मार्गदर्शन सत्र बालाजी की कृपा का प्रसाद का दरबार लगेगा, जिसमें आध्यात्मिक समाधान दिया जाएगा। आपके प्रश्न उत्तर हनुमान जी महाराज की प्रेरणा के द्वारा होंगे। परसों दरबार की चर्चा, आध्यात्मिक सत्र की चर्चा कल बताएंगे। कथा में कल कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। अच्छा उल्टा हो गया, आएगा कौन कौन, कितने बजे आना है,
जोर से बोलो, 4:30 बजे कल आ जाना, आज पहला दिन है। हम व्यासपीठ से खूब खूब धन्यवाद रंजन जी और उनकी माता जी और उनके पूरे परिवार को दे रहे हैं कि मोहाड़ी को भी अयोध्या बनवाने का संकल्प उन्होंने लिया है। हर हर महादेव। श्री पंडरीनाथ भगवान को हम प्रणाम करते हैं और पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए आरती की ओर जाएंगे। माझा देव पांडुरंग पंडरी पंडरी, दोनों हाथ उठाकर पांडुरंग पंडरी पंडरी, माधादेव 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 पांडुरंग पंडरी पंडरी, पांडुरंग पंडरी पंडरी, माझा देव पांडुरंग पंडरी पंडरी, हाथ उठाकर विठ्ठलनाथ भगवान की वाले भी दोनों हाथ उठाकर भगवान पंडरीनाथ का जो धाम है वो चंद्रभागा नदी के किनारे है, वहां पंडरीनाथ भगवान खड़े हुए। चंद्र भागे तीरे उभा बटेवरी, 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 माधादेव पांडुरंग हाथ उठाकर Thank you.
सियाला द्वार के चराना मानता है, जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा करके कहो, माझा देव पांडुरंग पंढरी पंढरी, माझा देव पांडुरंग पंढरी पंढरी, माझा देव पांडुरंग तुझा नामा तेरे गोरवा
जगत महाराज की जय हो। मांझा देव पांडुरंग मांझा देव पांडुरंग पंडरी गाओ माझा देव पांडुरंग पंडरी पंडरी माझा देव पांडुरंग। हमारे देव श्री विट्ठलनाथ है। आज की कथा के सूत्र सबको याद होंगे, ढोंग की जिंदगी नहीं ढंग की जिंदगी जिए, और दिखावे की जिंदगी नहीं प्राप्त की जिंदगी जिए। मेरे माई बाप मेरे प्रियजनों, हमने आज की कथा में आपको कहा था तुम कथा में बिल्कुल मत बैठो, महान व्यक्ति वो है जिसके अंदर कथा बैठ जावे। आज की कथा में हमने तुम्हें सूत्र दिया है जीने के लिए, बहुत काम का सूत्र है। हमें गुमान और स्वाभिमान होना चाहिए कि हमारे भारत में हमारे सनातन का हनुमान है, प्रभु राम है। आज की कथा में हमने सूत्र दिया था आपको, कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कथा को जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको कथा में आज के सूत्र दिया था, कथा कान का विषय नहीं, कथा ध्यान का विषय है। इन सभी सूत्रों को जो लाइव सुन रहे हैं, उन सूत्रों को आप लोग सब तक पहुंचाएं, खुद भी आत्मसात करें, आप भी सुने, दूसरों को भी आज की कथा का आत्मसात करें। और हम आप लोगों को टीवी वालों को कहेंगे कि तुरंत कथा सुनने के नियम सबको जरूर काट करके दें, आप लोग भी कथा सुनने के नियम पुनः सुने, नियम का पालन करें। कल 4:30 बजे हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए हम सीताराम कर रहे हैं। जो घर बैठे लोग देख रहे हैं उनको एक सूचना है, इन 5 दिन के अंदर हम आप लोगों से लाइव बात करेंगे, पक्का करेंगे। आप लोग बहुत दिन से हमसे बात नहीं कर पाए, पर हमारी भी मजबूरी है, आज हमको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, कल हमें थोड़ा ठीक लगेगा तो कल हम आपको बताएंगे कब बात करेंगे, पर 5 दिन के अंदर करेंगे ये तय है। और यहां परसों आध्यात्मिक समाधान सत्र चलाया जाएगा, दिव्य दरबार लगाया जाएगा, और आप सभी परिवार इष्ट मित्रों के साथ कल समय पर आ जावे। हम भी कल समय पे आने की 200% कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की वाणी ब्राह्म, हमारे प्रियजन आप आज घर जाना, मुस्कुराते हुए जाना, पर ढोंग करके नहीं ढंग से जाना। जय सियाराम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, विट्ठल नाथ भगवान की जय जय श्री राम। आरती में यजमान परिवार पावन मंच पर पधार चुके हैं, जो अतिथि हैं आज के उनको प्रवेश करने दें, उनको आने दें। श्री अविनाश कुर्मे जी, श्री अनुपम फाई जी, बहन दीवान, बहन प्रियंका, बहन दिव्यांति, श्री कृष्ण बूटी जी, प्रदीप जी, बहन दीप्ति दीवानी जी, बहन सालनी जी, बहन रानी जी, श्री बिट्टू जी, आप सभी से आग्रह हैं कि सभी को आने दें जिनका नाम लिया गया है पावन मंच पर। और आइए चलते हैं मंगलमय आरती में। जय श्री राम। ओम ज्वालामालन्नै नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हरिः ओम चंद्रमा मनिषो जातकचिसोः सूर्यो अजायत श्रोतद्वाय सुप्राणस्य मुखाद् अग्निर्जायत। आरती अवध बिहारी की दया वही जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया वही मधुर कछु बोले कोनक बोले।
जलतार मधुर कछु बोले पलक जलतार ललित छवि सीमा प्यारी की ललित छवि श्यामा प्यारी की नैना भरी जनक दुलारी आली की अवध बिहारी की नया भई जनक दुलारी की अलोकित पाए अंजनी लाल अलोकित पाए अंजनी लाल निरक पद पंकज होत निहाल निरक पद पंकज होत निहाल एकावत रघुराई नन्न शिव ताई रघुराई नन्न शिव ताई पवन सुत गिरिवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की भरत जूठाए प्रभुपत प्रेम अवश्य पावे प्रभुपत प्रेम अवश्य पावे शरण राजेश दवे अवधे शरण राजेश दवे अवधे बोलिए जय जय भयहारी की दया भई जनक दुलारी आरती अवध पदे पदे जलेन शीतलीकरणम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाये नमो नमः देवाधिवंदनम आत्माधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नोते हेनाकं महिमाना सचंत्र जत्र पूर्वे साध्या शंति देवा हरि ओम एक दंताय विद्महे वक्तुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदंते प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम दशरथ आत्मजाय विद्महे श्री सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीराम भक्ताय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदया नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलर्मया दत्तो ग्रहाणा परमेश्वरा श्री सीतारामाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलम समर्पयामि बोले बागेश्वर धाम की जय बालाजी सरकार की जय सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राम। आज की प्रथम दिवस की कथा हम आप सभी ने श्रवण की और कल 4:30 बजे गुरुदेव भगवान का
आदेश हुआ है कल 4:30 बजे आप सभी द्वितीय दिवस की कथा में आप सभी पहुंचे, और परसों यानी कि 30 तारीख को आध्यात्मिक समाधान सत्र, जिसमें गुरुदेव भगवान आप सभी से चर्चा भी करेंगे, आप सभी की समस्याओं का समाधान भी दिल दरबार के माध्यम से होगा। 30 तारीख को कल समय आप सभी को दिव दरबार का पता चल जाएगा, और कल 4:30 बजे आप सभी को पहुंचना है। कल की कथा 5 बजे से समय से प्रारंभ होगी, और आइए चलते हैं भजन की ओर। बोलिए बालाजी महाराज की। संकट ने घेरा है तुझे, तेरा नाम पुकारे रे, आ जा मेरे हनुमान, आ जा मेरे हनुमान। सभी मीठी तालियों के साथ लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़े रहते हैं, तब प्रभु श्री राम बालाजी महाराज को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, संकट ने घेरा है तुझे, तेरा नाम पुकारे रे, yeah।
दौड़े आ जा रे, तेरी सखी मंगल गामोरी Peace.